तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 12.5 परसेंट ये क्लियर है मेन तो इंपॉर्टेंट समझना है कि ये 50 परसेंट कैसे हुआ ये मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया है लेकिन बहुत सारे कमेंट आए हैं इस पर कुछ कमेंट अच्छे और कुछ कमेंट बुरे एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिफरेंट मेथड से कि कैसे अगर कोई बेईमान बिजनेसमैन है वो बाइंग के समय ट्वेंटी चीट कर रहा है और सेलिंग के समय ट्वेंटी चीट कर रहा है

तो यहां पे एक चीज तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिस रेट पे वो बाय करेगा उसी रेट पे वो सेल करेगा आई होप ये समझ में आ रहा है नाउ सिंपल से भाषा में समझो मान लो वो हंड्रेड ग्राम कोई आइटम बाय किया था ये क्लियर है और कोई भी आर्टिकल उसने बाय किया है और उसका प्राइस है वन रुपीज पर ग्राम देखो कॉन्सेप्ट को समझना है तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा अगर आपको बहुत टाइम का है, तो तभी जाकर आप इस वीडियो को देखो सो अज्यूम कर लो कि हंड्रेड ग्राम उसने परचेज किया है जिसका कॉस्ट है, है अब ये बाइंग के समय ट्वेंटी परसेंट चीट कर रहा है तो हंड्रेड ग्राम के बदले कितना क्वांटिटी अपने पास ले लेगा वो ले लेगा 120 ग्राम ये क्लियर है आई होप ये समझ में आ रहा है अभी तक लेकिन वो पैसा कितना पे करेगा वो पैसा तो पे करेगा 100 ग्राम के बराबर ही और आपने ₹1 पर ग्राम इसका रेट डिसाइड किया था तो टोटल तो कितना पैसा इसको पे करना होगा वो पे करना होगा बच्चों सिंपली ₹100 रुपीज। ये क्लियर है तो इसका जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस है ना जो कॉस्ट प्राइस जो इसकी लागत आएगी वो कितनी आएगी इसने हंड्रेड रुपीज में टोटल कितना ग्राम खरीदा है बच्चों वो खरीदा है हंड्रेड एंड ट्वेंटी ग्राम तो यहां से अगर ट्वेंटी से डिवाइड करोगे तो फाइव और ट्वेंटी से इसको डिवाइड करोगे तो सिक्स मींस इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा वो होगा फाइव बाई सिक्स रूपीज पर ग्राम आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको नाउ जब बच्चों ये सिल करने जाएगा, ये हंड्रेड ग्राम अगर ये सिल करने जाएगा तो जो इसका आइटम खरीद रहा है उसको वो क्या करेगा सेलिंग के समय भी ये 20 ग्राम चीट कर रहा है बच्चों तो जो भी इसका सामान खरीद रहा है उसको क्या बोलेगा ये ये बोलेगा कि मैंने आपको हंड्रेड ग्राम दिया है लेकिन ले, रियल टर्म्स में वो उसको देगा कितना हंड्रेड ग्राम्स के बदले उसको देगा ये एट्टी ग्राम से ये क्लियर है यहां तक समझ में आ रहा है तभी तो वो चीटिंग कर रहा है ट्वेंटी परसेंट परसेंटेज हमेशा हंड्रेड पे होता है तो ट्वेंटी तो लेकिन उससे चार्ज कितना करेगा उसको बोलेगा कि आप मुझे सौ ग्राम का पैसे दो तो उससे चार्ज करेगा ये हंड्रेड रुपीज तो बच्चों अगर आप सेलिंग प्राइस को देखोगे इसका सेलिंग प्राइस पर ग्राम कितना आएगा सिंपली हंड्रेड रुपीज और डिवाइडेड बाई टोटल आइटम्स कितना था एट्टी ग्राम इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका यहां से फाइव और यहां से फोर तो जो इसकी सेलिंग प्राइस आएगी वो आएगी फाइव बाई फोर रुपीज पर ग्राम लिख क्लियर है अब मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि प्रॉफिट कैसे निकालते हो बच्चों तो आप सिंपली निकालते हो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी डिडेड बाई सी इसलिए आपका चीटिंग इस वाले आंसर दे रखा है जो की गलत है इसलिए मैं थोड़ा सा दे रहा हूं। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा पर ग्राम में आपने फाइव बाई फोर लिया है डन है आपकी कॉस्टिंग कितना थी वो थी फाइव बाई मल्टीप्लाई करो आई होप इतना तक समझ में आ रहा है बच्चों अगर यहां से एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा यहां से एलसीएम लोगे बच्चों तो ये आ जाएगा मान लो ट्वेल्व आपने एलसीएम ले लिया ऊपर तो ये हो जाएगा फिफ्टीन माइनस टेन ये क्लियर है

तो एट द एंड ऑफ द बिजनेस उसको 50 परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है आई होप ये समझ आ गया। अब में आ तो उसको कितने का डिस्काउंट दे रहा था ट्वेंटी फाइव परसेंट का इट मीन हंड्रेड रुपीज का आर्टिकल हंड्रेड एंड फिफ्टी हो जाएगा जब वो बेचेगा नेट नेट और उस पर ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट दिया तो थर्टी सेवन रुपीज और फिफ्टी पैसे डिस्काउंट दे दिया तो उसके पास पैसा कितना आएगा एक सौ बारह रुपए और पचास पैसे तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चों सौ पे उसको टॉइन्ट का प्रॉफिट हो रहा है दैट इंप्लाई होगा सो यही हमारा क्या होगा आंसर तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सीख ले रहा है सो आई होप ये समझ में आ गया आपको सो थैंक्स फॉर द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स